महाकाल बाबा के दरबार में वीआईपी इतने हावी हो गए हैं कि भस्म आरती के पुजारी को ही गेट पर रोक दिया गया। उज्जैन नागचंद्रेश्वर के पट खुलते ही गादीपति एवं प्रशासक द्वारा पूजा अर्चना की गई। साथ ही धीरे धीरे वीआईपी कल्चर भी चालू हो गया। वीआईपी के चक्कर में भस्म आरती हुई लेट। बाबा महाकाल के दरबार में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय सहित नेता उनकी वजह से भस्म आरती के मुख्य पुजारी अज्जू गुरु सहित अन्य पुजारियों को ही रोक दिया गया। वीआईपी को लेकर पुजारियों में काफी आक्रोश रहा। इतने में मौके पर कैलाश विजयवर्गीय निकले तो मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आपकी वजह से पुजारियों को गेट पर रोक दिया गया है, तो उनकी अपनी गर्द नीचे देखते हुए निकल गए। सर, आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कैलाश जी, मेंदोला जी भी है, मेंदोला जी, पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना। मंदिर प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। अगर भस्म पुजारी को रोक दिया गया है वीआईपी की वजह से, कई बार बाबा के दरबार व्यवस्थाएं में अव्यवस्थित होती है। आज तो इस प्रकार से अव्यवस्था हुई कि पुजारी को ही रोक दिया गया। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन को वीआईपी के लिए इतना तो संयम रखे कि कम से कम पुजारियों को अंदर आने दिया जाए, आवश्यक नहीं है। जब मीडिया ने अज्जू पुजारी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है, इस प्रकार से पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार बख्शा नहीं जाएगा। हम आगे कलेक्टर साहब से इसकी शिकायत करेंगे। घंटे लेट होगा यहाँ आरती के लिए, आधा घंटा हो गया वहाँ जी। अब मुख्य पुजारी है, मुख्य पुजारी में पांच भी बता दिया, सब बता दिया, ये हालत है पुजारियों का जी। ये आज हुआ, हमेशा ऐसा होता, हर साल ये होता है सर मेरे साथ है। हाँ। हर साल ऐसा करते हैं, वहाँ पे भी रोकते हैं, यहाँ पे भी रोकते हैं, वहाँ पे सभी व्यवस्था वहाँ से ऐसा। यहाँ पर अभी दर्शन हम सदा दर्शन बंद कर दी गए हम श्रद्धालुओं को लेकर, तो ये वीआईपी हर साल में कभी आज अभी इस साल ये गेट खोला था इधर से, तो वहाँ पे ऊपर से सड़क से पास बताया मैंने, मेरे को जान दो नहीं तो पुजारी वो कौन भी हमारा को मना करते हैं। तो उनसे जब भी बोल के मैं आया ये पास है ये, तो उन्हें नहीं जान दिया। फिर उसके बाद इस साल ये अगले साल भी वहाँ पे यहाँ पे इस साल भी अगले साल इससे साल भी इन्हें वो गेट पे भी इन्हें बोला है, वो गेट पे भी बोला वहाँ पे पुजारी को रोक दिया इन्हें। ये पास का मतलब क्या है, इसको फेंक दूँ? कलेक्टर से बात करूं मैं जी, पास लटकाने का बोला था आपने जी, जो पास ही आपको सास के पास होने के बाद अपन नहीं जान लिया, तो पुजारी पुलिस वाले सब पहचानेंगे। स्कूल मिला के गलत व्यवस्था, पूरी गलत है। जिम्मेदार आदमी को एक पॉइंट पे फाइन लगाना चाहिए कि पंडा कौन है, पुजारी कौन है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, ये कोई व्यवस्था थोड़ी है यहाँ पे जी। बिल्कुल, अगले मनमर्जी के काम कर रहे हैं अगले साल।